नमस्ते, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये बता दें आपको कि कोटा में सिरतन से जुदा के पोस्टर मिलने से हड़कंप मच गया है। कोटा के उद्योग नगर इलाके में हड़कंप मचा है। बीजेपी नेता मनोज के घर के बाहर हाथ से लिखे पोस्टर चिपकाए गए हैं उनकी गेट के बाहर, और उसमें लिखा गया है कि अल्लाह के बंदे, हम अब तुझे और तेरे परिवार को नहीं छोड़ने वाले। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिरतन से जुदा, सिरतन से जुदा। और इस पोस्टर को पढ़ने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आनंद फानंद में पीड़ित परिवार उद्योग नगर थाने पहुंच गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथ में है मौजूद। ये आपको घर के बाहर बीजेपी नेता के हाथ से लिखा हुआ जो एक नोट दिखा रहे हैं, उसमें बताया गया कि अल्लाह के बंदे, हमें सरतन से जुदा के पोस्टर मिले हैं। किसने लिखा है, क्यों लिखा है, ये सब बड़ी कार्रवाई का विषय है। फिलहाल पूरा पीड़ित परिवार उद्योग नगर थाने पहुंच चुका है। बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारी साथ में है मौजूद। तो बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं, यही वो पोस्टर है जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है। यहां तक कि देखिए लिखा हुआ कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि किसी की क्या दुश्मनी थी बीजेपी कार्यकर्ता से, किसने ये लिखा। आसपास कोई अगर सीसीटीवी फुटेज होगा तो उसमें जरूर नजर आ जाएगा। फिलहाल पूरा पीड़ित परिवार सदमे में है कि किसने लिखा है, क्या इसका मतलब है, क्या वो शख्स करने जा रहा है परिवार के साथ। पुलिस के पास पूरा परिवार, पीड़ित परिवार पहुंच चुका है थाने में, उद्योग नगर थाने में, जहां पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इस बात की सूचना दी गई है, पुलिस वहां पर पहुंची भी है, उस नोट को हाथ में लिया है, अब पुलिस उसको पढ़ रही है। साथ में पीड़ित परिवार के बीजेपी के पदाधिकारी और नेता मौजूद है। खबर पर हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं सीधे। ओम प्रकाश, इस नोट का क्या मतलब है और पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? हेलो ओम प्रकाश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो चलिए हम उनसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको कोटा से दिखा रहे हैं। एक तरफ पुलिस उद्योग नगर थाने इलाके में कोटा में पहुंच चुकी है, जहां पे पोस्टर्स मिलने से हड़कंप मचा हुआ है पूरे इलाके में। दूसरी तरफ वो आपको तस्वीर, हाथ से लिखा हुआ नोट जो बीजेपी नेता के घर के बाहर चिपका था, वो दिखा रहे हैं। यहां तक कि आपको हम हाईलाइट करके भी दिखा रहे हैं कि लिखा क्या गया है, जिसमें लिखा गया है कि सर तन से जुदा। और सीधे फिर से रुक कर लेते हैं, ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर। ओम प्रकाश, इस नोट का क्या मतलब है? अब तो पीड़ित परिवार थाने पहुंच भी गया है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? देखिए, उद्योग नगर थाने में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, और जिस घर के बाहर इस तरह के पोस्टर लगाए हैं गए हैं सर तन से जुदा के, वहां पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात हैं, और पूरे इलाके में हालांकि हड़कंप जरूर मचा हुआ, लेकिन यह कहा जा सकता कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। और फिलहाल जाब्ता तैनात करने के बाद पूरे मामले की जांच करने में अब जुटी हुई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज कंगाले जा रहे हैं, कौन ऐसा है जिसने इस तरह की करतूत को अंजाम दिया, किसने इस तरह के पोस्टर लगाए, ये तमाम जो तथ्य हैं, तमाम पहलुओं पर पुलिस जाँच कर रही है, और माना जा रहा है कि जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन दहशत का माहौल जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव के दौरान इस तरह की वारदात सामने आने के बाद ये बीजेपी नेता एक मनोज सुमन है, उनके घर के बाहर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। फिलहाल मैं बीजेपी नेता मनोज सुमन के घर के बाहर ही खड़ा हूं। तस्वीर में हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहां आप देख सकते हैं इसी घर के बाहर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है, और जो पीड़ित मनोज सुमन है उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह का ये सामने आया था मामला, किस तरह के पोस्टर और कैसी जानकारी मिली आपको? मैं सब सुबह उठा तो उस टाइम को घर के बाहर जब निकला तो गेट के बाहर एक पर्चा पड़ा हुआ था। मैंने उस पर्चे को उठा के देखा, पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था अल्लाह का पैगाम और सर तन से जुदा,
कि मनोज अब तुझे नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके से कुछ बातें जो मुझे अभी याद नहीं है। उसके बाद में मैंने पूरा गेट खोला तो एक पर्चा मेरे बैक साइड में बगल वाली साइड में गेट पे भी चिपका हुआ था। तो मैंने वो पर्चा देखा तो मेरे पास में भाभी जी खड़े हुए थे सामने वाले मकान में, तो मैंने इस पे मुकदमा दर्ज हो चुका। देखिए इस घर के बाहर जैसा कि मैंने पहले भी बताया पुलिस का जाब्ता तैनात है, कुछ पुलिस कर्मियों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर इस मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस का जाब्ता भी तैनात कर दिया गया जी, इन्वेस्टिगेशन जारी है, मुकदमा दर्ज हो गया। क्या सूचना क्या मिलेगी? मनोज जी ने सूचना दी कि ऐसे ऐसे हमारे घर पे किसी ने पोस्टर चिपका दिया है, उस पर पुलिस आ गई मौके पर, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और इसके बाद बिल्कुल शांति है, पुलिस अलर्ट है, सादा वस्त्र में भी है और वर्दी में भी जाब्ता तैनात है, गाड़ी खड़ी है यहाँ पुलिस की, शांति है, प्रयास जारी है अंडर इन्वेस्टिगेशन। क्या करतूत हो सकती है या किस तरह की ये इन्वेस्टिगेशन के बाद उच्च अधिकारी बताएंगे। देखिए उसी घर के बाहर की हम तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिस घर के बाहर इस तरह के पोस्टर लगे, ये वही घर है उसके बाहर जिस घर के दरवाजे पर इस तरह के पोस्टर लगाए। जब सुबह मनोज सुमन जो भाजपा नेता है वो जब उठे थे तब पता चला कि इस तरह के पोस्टर लगाने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप सा मच गया, दहशत का माहौल होता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी भी घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है, हालांकि पुलिसकर्मी पूरे अलर्ट है, तैनात है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है किस तरह की ये करतूत हो सकती हैं, कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरह की वारदात को जिन्होंने अंजाम देने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच करने में जुटी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर इस तरह की जो कॉलोनी है जहाँ चारों तरफ से लगभग कैद है, वहाँ कौन व्यक्ति अंदर घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज कंगालने के बाद भी कोई महत्वपूर्ण सुराग हाथ नहीं लग पाया, लेकिन उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात कह रही है। जी और खबर क्योंकि बड़ी है और पुलिस को बड़ी कार्रवाई ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हल्की सी भी चूक क्या उस पोस्टर के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है, और पूरा परिवार तो डरा हुआ है ही। फिलहाल आपसे और जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो बड़ी खबर आपको बताए थे और कोटा से ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि पुलिस वहां पहुंच चुकी है और कोटा के उद्योगनगर थाने में पीड़ित परिवार पहुंचा है, जहां पर उसने पूरे परिवार ने यानी कि मुकदमा दर्ज करा दिया, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। अब पुलिस उस रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बड़ी खबर आपको इस बीच अजमेर से ये बताते चले कि कन्फेक्शनरी की गोदाम में आग लग गई, दुकान और गोदाम में भीषण आग लगी है। अब तक एक दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है, यानी कि 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। मार्केट की लाइट को बंद करा दिया गया है, 3 मंजिले के मार्केट में फर्स्ट फ्लोर पर यह आग देखने को मिला था, सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर होजरी का काम हो रहा था और लाखों रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए हैं। आग पर काबू पाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं।